स्वागत है दैनिक भास्कर के YouTube चैनल उत्तराखंड यूपी में आपका। मैं उधम सिंह, जिले के रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। आज यहाँ की सबसे बड़ी खबर यह है कि रुद्रपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ आज किसान महापंचायत के जरिए किसानों ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर किसान महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भारी मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की ज़मीनों को हड़पना चाहती है और इसे पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाबा रामदेव के उत्पादों को कोई भी किसान न खरीदे, वहीं रिलायंस के कोई भी प्रोडक्ट किसान न खरीदे। उन्होंने कहा कि आज किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर रहा है। वहीं इस महापंचायत में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इससे स्पष्ट हो गया कि महापंचायत को कांग्रेस का समर्थन तो मिल ही गया। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया ने भी महापंचायत में पहुंचकर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दे डाला। आइए देखते हैं क्या करना है भाकियों के राष्ट्रीय नेता टिकैत का और महापंचायत की एक झलक। दिनेश मोहनिया जी, आप आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी हैं और आज किसान महापंचायत में आप यहां पहुंचे हैं, इसमें क्या संदेश आप देना चाहते हैं देश की जनता को? शुरू से किसानों के साथ है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सब लोग समर्थन में उनकी सेवा करने हमेशा किसान भाइयों हमारे संयुक्त मोर्चा के सरदार गुरनाम सिंह कड़ी जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, कविता जी, संघर्ष जारी रहेगा। मित्र जी, गांव में रहती है, गांव से एग्रीकल्चर से किसानों को, नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, एक फंडा चल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, जमीन नहीं जाएगी, आप लेबर का काम करोगे, लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहाँ पर फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे ले गए, यहाँ पर अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड मिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली का कानून आ गया है, सीड का कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी, महिला थाना बन गया, बिजली के पुल थाने बन गए, अब बीज के थाने बनेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, कितने लोग हैं 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? आप लगाओगे क्या बिजली का बिल नहीं देना? जो पशु किसी के पास होंगे उसको कोमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी। पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे, आप जमीन नहीं छोड़ के, वे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वे कहेंगे कि आपको 40,000 रुपए एकड़ है, हम आपका 60 में लेते हैं और आपका 5-10% हर साल बढ़ाएंगे और 30 साल का 40 साल का एग्रीमेंट करो। 40 साल बाद में कोई खेती करेगा फिर इसमें? उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। खेल होगा आज से 60 और 70 साल बाद में शुरू। जो असली खेल है वो आज नहीं है, असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा। उसकी रूपरेखा आज बनाई जा रही है, उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहाँ इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया, ये होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है, हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक